नमस्कार दोस्तों, माहिर डीटीएच चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपको इस वीडियो में डिश टीवी का एमपीजी 2 सेट ऑफ बॉक्स और एमपीजी 4 सेट ऑफ बॉक्स, इस दोनों सेट ऑफ बॉक्स में डिफरेंस क्या है वो इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों, ये सेट टॉप बॉक्स काफ़ी साल पुराना है जो डिश टीवी का एमपीजी 2 सेट टॉप बॉक्स है। तो दोस्तों, सबसे पहले डिश टीवी लॉन्च हुआ था तब से ऐसा बॉक्स निकला था। तो दोस्तों देखो, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये पावर वाला बटन है, ये डाउन वाला और ये अप वाला बटन है, और ये डिश टीवी का हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, ये जिनेगा लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ हमें ऐसा कार्ड भी मिलता था, तो इस कार्ड को मैं बाहर निकलता हूँ। तो दोस्तों देखो, ऐसा हमें कार्ड वाला मिलता था। तो दोस्तों, ऐसा हमें एमपीजी 2 सेट टॉप बॉक्स मिलता था। तो सेट टॉप बॉक्स की पीछे की फीचर आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ हमें एंटीना का दो पोर्ट मिलता था, एक इन के लिए और एक आउट के लिए। ये एवी केबल है जो ऑडियो वीडियो टीवी के कनेक्ट होते हैं, और ये टीवी आउट है, ये एंटीना इन है, और ये सीरियल पोर्ट है। तो ये हमें पावर का भी केबल साथ में अटैच करके मिलता था। तो दोस्तों देखो, इस एमपीजी 2 सेटअप बॉक्स में हमें पिक्चर क्वालिटी कम मिलती थी। और दोस्तों, मैं अब आपको डिश टीवी का एमपीजी 4 सेटअप बॉक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये डिश टीवी का एनएक्स एचडी बॉक्स है, उसका मॉडल नंबर D5000 4HD। तो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एचडी सेटअप बॉक्स है। ये डिश टीवी का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ये डिश टीवी का लोगो है, और ये पावर बटन भी हमें दिया गया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही पीछे की उसमें फीचर क्या क्या है वो बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये 12 वोल्ट डीसी का है जो सेटअप बॉक्स को पावर देने के लिए, जो एंटीना का केबल आता है वही हमें यहाँ कनेक्ट कर देना है। दोस्तों, हमारे पास एलईडी है तो हमें एचडीएमआई केबल में कनेक्ट करना होगा, हाई डेफिनेशन पिक्चर क्वालिटी के लिए। और हमारे पास पुराना डब्बा यानी कि टीवी है, तो ये टीवी के लिए हमें एवी केबल भी उसमें दिया जाता है। तो दोस्तों, इस बॉक्स को हम लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का पिक्चर क्वालिटी हमें मिलती है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. तो दोस्तों, ऐसा ही हमें एमपीजी 4 सेटअप बॉक्स मिलता है। तो दोस्तों, अगर हमारा इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों देखो, ये मैं दोनों सेटअप बॉक्स साथ में रखकर बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, यहाँ इस दोनों सेटअप बॉक्स में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हो। दोस्तों, इस दोनों सेटअप बॉक्स में से हमें एमपीजी 4 सेटअप बॉक्स में एचडीएमआई का पोर्ट मिलता है, और एमपीजी 2 सेटअप बॉक्स में हमें एचडीएमआई का पोर्ट नहीं मिलता है।